सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जातिवाद की राजनीति हो रही है, अपना अपने जातियों को लोग जोड़ रहे हैं, विकास कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार की नीतियों से असहमत रहते हुए वोट देने और दिलाने की बात है, वो वोट एक पढ़े लिखे गंगा जमुनी तहजीब के मुताबिक इन लोगों को नहीं मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ सुधार दिए, आईपीसी सीआरपीसी में बुलडोजर कहाँ से आ गया है। जो भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाएगा वो स्वच्छ हो जाएगा, जो नहीं जाएगा वो खराब रहेगा। कोई सरकार के खिलाफ बोल दे तो आप उसको आतंकवादी घोषित कर दीजिए, उसके ऊपर गैंगस्टर लगा दीजिए और उसका मकान तोड़ दीजिए, उसको किसी लायक न रखे। हमको भी चिंता यह है कि क्या वाकई में इस मुल्क में कानून रहेगा कि नहीं रहेगा। कानून व्यवस्था सबसे अच्छी आपकी यही है कि आपकी कस्टडी में जो चला जाता है उसकी हत्या हो जा रही है। क्यों ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिन लोगों ने जो पांच पांच छह छह बार से विधायक है, जिन्होंने कांग्रेस में भी लिया, सपा में भी लिया, बसपा में भी लिया, इनको लोग ही नहीं मिल रहे। कांग्रेस वालों से पूछा जाए कि सन 47 में पेट्रोल का रुपये था और 2014 में क्यों इतना आ गया। जो रियल एस्टेट का काम यहाँ पर है वो जो सरकार के पक्ष में है, जो सरकार के नेताओं को पैसा दे, जो प्रशासन को पैसा दे, वो कर पा रहा है। आने वाले समय में मोदी जी की जो व्यवस्था है, जो योजना है, बिजली घर घर पहुंचाई जा रही, 24 घंटा बिजली दी जा रही है, प्लांट लगाए जा रहे हैं और सबको कनेक्शन दिया जा रहा है घर घर। सरकारी तंत्र में सारी जगह प्राइवेटाइजेशन आप करते चले जा रहे हैं, तो कॉरपोरेट जगत पे केवल खेल रहे हैं, एक अंबानी एक अडानी। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी इलाहाबाद लोकसभा सीट के इलाहाबाद शहर में हैं और यहाँ के मशहूर इंडिया कॉफ़ी हाउस के सामने खड़े हैं। इलाहाबाद शहर का एक बड़ा बौद्धिक अड्डा माना जाता है, यहाँ पर छात्र, वकील, कर्मचारी और प्रोफेसर्स सब लोग यहाँ पर आकर अक्सर सवेरे शाम को बैठते हैं। देश भर की, इलाहाबाद की, यूपी की और देश भर की और दुनिया भर की भी राजनीति की यहाँ पर बातें होती हैं, सामाजिक परिस्थितियों की बातें होती हैं, संस्कृति की बात होती है, साहित्य की बात होती है। आइए ज़रा लोगों से यहाँ बात करते हैं, पता करते हैं चुनावी माहौल उनके लिए क्या है और साथ में चुनावी माहौल के साथ साथ सिर्फ इलाहाबाद में नहीं बल्कि देश भर के चुनावी माहौल पर लोगों का क्या कहना है। आइए जी। नमस्कार जी, थोड़ी देर बैठ सकते हैं, को डिस्टर्ब करेंगे थोड़ा। हम लोग अभी चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं और आपकी इलाहाबाद सीट के तो कई सारे, मतलब हमारा चैनल शामली ज़िले में है पश्चिम उत्तर प्रदेश में और वहाँ से पहले चरण में हमारा चुनाव तो हो गया, वहाँ से घूमते घूमते कई सारे, लगभग ये 15वीं हमारी लोकसभा सीट है और आपके कई इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के कई सारे गाँव में भी घूमे हैं पिछले दिनों में, दो तीन विधानसभाओं में। तो अब यहाँ के ये बौद्धिक अड्डा मैंने सुना है यहाँ इलाहाबाद शहर का है, तो हाँ जी अंकल, आपका पूरा मीडिया जो यहीं पर आता है काफी और, तो थोड़ा सा बताइए चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं जी। आपका नाम साहब? मोहम्मद शहाब। शहाब साहब जी बताइए क्या करते हैं आप, वैसे अगर मैं पूछ सकता हूँ। देखिए 10 साल के शासनकाल में आम जनता बहुत परेशान है। इस सरकार से जब कहा जाता है महंगाई पे बात करो तो सरकार महंगाई पे बात न करके कहती 370 मैंने हटा दिया। जब इस सरकार से कहा जाता है पेट्रोल पे बात करो तो सरकार कहती कि मैंने 3 तलाक का कानून ले आए। जब इस सरकार से कहा जाता है कि नौजवानों के रोज़गार पे बात करो तो ये सरकार कहती कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। सरकार लगातार लोगों का ध्यान हटाने के लिए काम कर रही है। मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, किसानों को पानी कैसे मिलेगा, खाद की सब्सिडी कैसे मिलेगी, मुद्दा ये है। लेकिन सरकार से बात करो तो कहती है कि साहब आपका मंगल सूत्र छीन लिया जाएगा, उस मंगल सूत्र को मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जब सरकार से कहो कि ये भाई मंगल सूत्र वाला जो सवाल है इसको आप कैसे हल करेंगे तो वो चीज़ों को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। विकास के सवाल पर, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, रोजगार के सवाल पे बात नहीं करके आपका ध्यान हटाना चाहते। आखिर इस मुल्क में नौजवानों को रोजगार कैसे मिले? शाब साहब मैं आपकी बात मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी भी है, इसलिए भी क्योंकि वो प्रधानमंत्री किसी एक जाति किसी एक धर्म के नहीं हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं और किसी पार्टी के भी नहीं हैं। जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो विपक्ष के भी हैं, तो
इस तरह के बयान प्रधानमंत्री से थोड़ी सी कुंठा होती है सुन के कि भाई ये कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अब आपके भाषणों में नहीं आना चाहिए, ये थोड़ी सी कुंठा हमें भी बहुत हुई। हम वैसे कोशिश करते किसी के पार्टी के पक्ष या विपक्ष पे बात ना करें, लोगों की राय लें, लेकिन ऐसी बात पर हमें भी बोलने पर हम थोड़ा मजबूर हो गए हैं इस बार। ये बताइए साहब, आप करते क्या हैं अगर मैं पूछ सकता हूँ? मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, चलिए ये बताइए फिर, वकीलों को अंदर की बहुत खबरें रहती हैं, लॉ फ्रेटर्निटी लॉयर्स फ्रेटर्निटी में क्या बातचीत हो रही है यहाँ पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट तो एक बहुत मतलब यूपी का हाई कोर्ट यहाँ पर है, बहुत सारे दुनिया देश भर पूरे यूपी के केसेस यहाँ तक आते हैं, क्या बातचीत हो रही है, क्या सुनने को मिल रहा है? भाई हाई कोर्ट बार जो है इस बात पे मंथन कर रहा है कि हम लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अभी पिछले दिनों बार यहाँ के वकीलों की एक मीटिंग हुई थी अशोक नगर में, तो उन्होंने तय किया, बार वकीलों ने तय किया है कि हम वकीलों को ड्रेस के रूप में क्या नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति जो हाईकोर्ट पास स्थापित है उससे लेकर और यहाँ तक मार्च करेंगे। हमको भी चिंता यह है कि क्या वाकई में इस मुल्क में कानून रहेगा कि नहीं रहेगा, कानून को किस तरह से मिसयूज़ किया जा रहा, सत्ता पार्टियाँ कानून को मिसयूज़ कैसे अपने पक्ष में कर रही हैं, इस सवाल को लेकर आज वकील बहुत चिंतित है। और हमें लगता है कि अगर वकील एक बौद्धिक समाज है, सोचने समझने की सलाहियत रखता है, फिक्र करता है, तो हमको लगता है कि आने वाले दिनों में वकील भी इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करने जा रहा है और एक बड़ी संख्या में वकील अब मार्च करने जा रहा है कि हमको इस सत्ता को बदलना है और एक ऐसी सत्ता लाना है जो नौजवानों के बारे में सोच सके। चलिए ये बताइए, लेकिन वकीलों में भी लोग अलग अलग पार्टियों से तो होते हैं, भाजपा के भी होंगे, सपा के भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, बसपा के भी होंगे, अलग अलग पार्टियों से, तो ये क्या आप एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन वकीलों की बात कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि जो लोग किसी पार्टी संगठन से नहीं जुड़े हैं उनके अंदर भी आप इस तरह का एक भाव देख रहे हैं? 20% वकील पार्टी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, कोई सपा से है, कोई कांग्रेस से है, लेकिन 80% वकील ऐसा है जिसकी एक न्यूट्रल पोजीशन है, वो यहाँ पे सोचता है कि कैसे आम जनमानस में इस सवाल को ले जाया जा सके। 20% पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन 80% न्यूट्रल है, तो वो जो न्यूट्रल वकील है वो इस दिशा में सोच रहा है कि हमें सूबे को मुल्क में किस जगह ले जाना है। यहाँ क्या सभी वकील हैं? आप हैं, चलिए, डर लग जाता है जब सारे वकील बैठे हों तो। जी साहब, आपका नाम? मोहम्मद जैद। जैद साहब बताइए, क्या चुनावी माहौल है आपके यहाँ लोकसभा में? लोकसभा में हमारे यहाँ फूलपुर और इलाहाबाद और कौशाम्बी, ये तीनों बदलाव की दिशा में है, ये जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि 2014 में इनको बहुमत से बनाया, फिर रिपीट 19 में किया, जनता को इन्होंने ठगा है, कुछ नहीं किया, अब की बार अंडर करेंट है, चुनाव बदलाव जनता चाहती है। अंडर करंट तो खैर हम भी बहुत जगह ये देख रहे हैं कि इस बार चुनाव में जो एक और एक बात और है कि अब पहले 2014-2019 में गमछा दिखता था, लोग उत्साहित थे, अब की बार नहीं है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पूरे पश्चिम यूपी से यहाँ तक जो हम आए हैं तो जो एक ढोल ढमाके चुनाव में होते थे वो सब होता था, उसका अभी बहुत कम नज़र आ रहा है, शांति एक चुप्पी ज़रूर नज़र आ रही है, लोग और बहुत सारे लोग थोड़ा सा डर भी नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोग कैमरे पर बोलने से भी खतरा रहे हैं, हम देख रहे हैं इस बार, जो पहले नहीं होता था। तो चलिए आगे भी बात करते हैं साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अनवार है। हाँ जी, मोहम्मद अनवार मेरा नाम है जी। और पब्लिक ऑन द होल बदलाव चाहती है। हाँ, ये 10 सालों के अंदर जो हम लोगों से प्रॉमिस किया गया था एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया इन्होंने, और उससे बड़ा लेट डाउन किया पब्लिक को, अच्छी बुरी जो भी है। अब इनकी क्या पॉलिटिक्स है कि क्या है, तो अब एक ऑन द होल पब्लिक जो है वो चेंज मांगती है, हो सकता है इससे बेहतर अब हमको देखने को मिले, और जॉब ओरिएंटेड कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए जिसमें जॉब की ज़्यादा से वो होना चाहिए, एडुकेशन में नहीं है कोई, महिला की सुरक्षा का कोई वो नहीं प्रावधान है, तो मतलब ये कोई मतलब जातिवाद या पार्टी का वो नहीं है, एक इंसानियत के उस पर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अनवार साहब अब क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है, बिजनेस है लेदर गुड्स का, बिजनेस लेदर गुड्स का।
अनवर साहब ये बताइए, प्रोडक्शन में है या रिटेल? प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग। ये बताइए, पिछले 10 साल बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं, GST, बीच में नोटबंदी भी हुई थी, फिर कोविड में तो सब धंधे बंद हुए, तो जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं उसके बाद बिजनेस आपकी स्टैग्नेट या रिकवर कर पाई है या कुछ ज़्यादा? बहुत थिन, वेरी थिन, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ये हैगा मेरा एक छोटा सा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैगा, जो मैंने देखता है यूरोप में अभी, अमेरिका में भी, सब जगह बिजनेस बहुत ख़राब है, लेकिन इंडिया का बहुत ही ज़्यादा ख़राब है ड्यू टू वर्ल्डली प्रॉब्लम्स और फिर अपने सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम जो है कि अपनी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं जी, वो पॉलिटिक्स डोमिनेंट हैगा उसमें, और ऑन द होल मतलब वो नहीं हैगा कि सब मिल के कुछ उसको बेहतर बनाए, उसको पोल्यूशन का कभी कुछ। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा जो पॉलिसी सोची भी जा रही है वो ड्रिवन बाय पॉलिटिक्स है, ना कि पॉलिटिक्स इंटेंशन वो है? ठीक जी, साहब आके हमारे साथ बैठे हैं, क्या नाम हुआ साहब? योगेश्वर प्रसाद मिश्रा जी। योगेश्वर साहब बताइए, चुनाव के बारे में भी बात कर रहे हैं और वैसे हालात के बारे में बात कर रहे हैं, आप वकील हैं जी? वकील साहब, तो योगेश्वर साहब बताइए, क्या आपको लग रहा है इलाहाबाद में क्या स्थितियाँ बन रही हैं? इलाहाबाद गंगा जमुना तहजीब की जो सबसे बड़ी संस्कृति थी, वो जो विलुप्त होने लगी थी सरस्वती, उस सरस्वती को एक बार पुनः प्रतिष्ठापित करने जा रहा है, और उसे प्रतिष्ठापित करने के लिए बौद्धिक संवर्ग यानी इंटेलेक्चुअल क्लास ने कमर कस ली, क्योंकि उसको ये महसूस होने लगा कि आजकल के राजनेता जिस तरीके से इंटेलेक्चुअल क्लास का अपमान कर रहे हैं, वो अब न केवल सभ्यता और संस्कृति के लिए हानिकारक है बल्कि समाज में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिस गंगा जमुनी तहजीब की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अभी हम शुरू में भी बोल रहे थे, थोड़ी सी चुप्पी है माते जब प्रधानमंत्री जी के भाषण में अचानक इस तरह की बातें आ जाती है कि आपके मंगलसूत्र मुसलमानों को दे दिए जाएंगे, ये सब होगा, ये सब सुन के आपको क्या लगता है, क्या गंगा जमुना तहजीब पर इसकी वजह से भी वार हो रहा है या कोई और कारणों से? जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सत्ता पाने के लिए जो प्रधानमंत्री का वादा था, प्रधानमंत्री जी के बारे में बौद्धिक संवर्ग ने एक परिकल्पना बना ली कि हिंदुस्तान के सर्वोच्च शिखर पर बैठने के बाद भी अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई कैबिनेट मिनिस्टर स्वयं को पिछड़ा से संबोधित करे तो उसके मानसिक सतह का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र बिक जाएगा, मंगलसूत्र घर में से निकाल लिया जाएगा। देश को आज़ाद करने के बाद जिन परिस्थितियों में देश को पुष्पित पल्लवित और संवर्धित करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अथक परिश्रम करके देश को विकासशील देशों में लाने के लिए इतनी जद्दोजहद की, चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से रहा हो, चाहे वो बड़े बड़े PSUs स्थापित करने के लिए रहा हो, अगर उस दौर में पंडित नेहरू जैसा आदमी दुनिया के पैमाने पर PSUs बनाने के लिए चंदा उगाही किया, दुनिया के सामने उसने देश के लिए बड़े बड़े PSU भारी उद्योगों को लगाने के लिए चंदा मांगा, कलेक्शन किया और ला करके यहाँ बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्री लगाई, और उसके बावजूद उसने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी, उसके अलावा उसने चाइना से लड़ाई लड़ी, और लड़ने के में जो उसको विसंगतियों का सामना करना पड़ा उसके लिए उसने अपने गाढ़े कमाई किए, अर्थात वकालत के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की थी उसको देश हित में उसने कुर्बान कर दिया। ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे महापुरुष को कलंकित करने में अगर मोदी जी संकोच नहीं कर रहे हैं तो वो ये अनाप शनाप सांप्रदायिक भाषण दे करके आज पढ़े लिखे समाज को बरगला नहीं सकते। तो चलिए ये बताइए, फिर आप कह रहे हैं पढ़े लिखे समाज को बरगला नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके राज्य में भी बहुत सारी राजनीति जो हुई है पिछले सालों में, वो बुलडोज़र
गाय कटान, मंदिर मस्जिद बहुत हद तक इसके इर्द गिर्द रही है। मतलब माफिया का समर्थन या किसी भी क्रिमिनल प्रवृत्ति के किसी भी नेता का समर्थन हम नहीं करते हैं, लेकिन एक टीवी चैनल के सामने, टीवी के कैमरों के सामने किसी को इस तरह से गोली से मार देना, थोड़ा सा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर किधर जा रहा है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये सब जो प्रवृत्तियां बदलने वाली, आपको क्या लग रहा है ये प्रवृत्तियां इस चुनाव में बदलेंगी या आपकी एक मनोकामना है कि आप बदलते हुए देख रहे हैं? मोदी जी देश ही नहीं प्रदेशों को जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं वो आने वाले भविष्य में जेनोसाइड यानी सामूहिक नरसंहार की एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, वो चाहे हिंदू मुस्लिम के माध्यम से हो, चाहे वो जात को जात से लड़ाने के माध्यम से हो, चाहे वो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध बुलडोजर चलाने का प्रसंग रहा हो, चाहे कानून व्यवस्था को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दरकिनार करके और पुलिस प्रशासन का काम छोटे छोटे छुटभैया गुंडों के माध्यम से जो क्रियान्वित किया जा रहा है, ये राष्ट्रहित में और एक विकसित भारत का सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री को शोभा नहीं। तो ये बताइए फिर इलाहाबाद लोकसभा और साथ में फूलपुर लोकसभा में इस बार आप कुछ बदलाव होते हुए देख रहे हैं? इलाहाबाद लोकसभा या फूलपुर लोकसभा, फूलपुर वह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिस पर पंडित नेहरू जैसे लोग, राम मनोहर लोहिया जैसे लोग, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जैसे लोग चुनाव लड़ा करते थे, जनेश्वर मिश्रा जैसे लोग, जो कि राष्ट्रहित ही नहीं बल्कि जन जन के मन मस्तिष्क में निवास करने वाले महापुरुष थे, इन लोगों की सरजमी पर जिस तरीके से गुंडा मवाली बदमाश माफियाओं को टिकट दिया जा रहा है, इससे फूलपुर का विकास छोड़िए देश का भी विकास अवरुद्ध होगा और फूलपुर का भी। जहाँ तक रही इलाहाबाद का, तो किन समीकरणों के तहत उन्होंने नीरज त्रिपाठी, सन ऑफ पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी को टिकट दिया है, इसको तो मोदी जी जाने। लेकिन जहाँ तक सरकार की नीतियों से असहमत रहते हुए वोट देने और दिलाने की बात है, वो वोट एक पढ़े लिखे गंगा जमुनी तहजीब के मुताबिक इन लोगों को नहीं मिलेगा, बाकी सीएम, डीएम और ईवीएम के माध्यम से ये कुछ भी कर सकते हैं, जिस पर जनता का भरोसा नहीं। अगले टेबल पर जाते हैं, इस टेबल पर मिश्रा जी और मोहम्मद जैद साहब साथ बैठे हुए हैं, एडवोकेट मोहम्मद जैद साहब साथ बैठे हैं, तो यही हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ जिस अब गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे थे, ये कभी ना टूटे और इसी को ही थोड़ा बहुत फ्रैक्चर होते हुए पिछले सालों में हमने देखा है, लेकिन आप देख सकते हैं उसका असर ऐसा नहीं है कि हर जगह पहुंचा है, आज भी साथ बैठते हैं लोग। चलिए अगले टेबल पर चलते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नमस्कार जी, बात हो पाएगी? बात हो पाएगी 5 मिनट चुनाव के बारे में? पूरा दिखाना नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, सब ठीक है, पूरा कोई दिखाता नहीं तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, पूरा दिखा देंगे सर, अनएडिटेड दिखाएंगे, आप आइए, आप बात तो करें। हाँ, बात करें। हाँ। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लल्ला तिवारी जी। क्या करते हैं लल्ला जी? वकालत करता हूँ हाईकोर्ट। आप भी एडवोकेट हैं, तो ये बताइए फिर आपके यहाँ इलाहाबाद, फूलपुर लोकसभा, प्रयागराज, अच्छा ठीक है प्रयागराज, वैसे लोकसभा का नाम अभी भी इलाहाबाद ही है, तो इलाहाबाद लोकसभा या प्रयागराज लोकसभा, प्रयागराज फूलपुर लोकसभा में क्या आपको अभी रुझान लग रहे हैं, ज़रा बताइए। प्रयागराज में क्या लग रहा है? लोकसभा फूलपुर और इलाहाबाद जो लोकसभा सीट्स हैं उस पर क्या रुझान लग रहे हैं आप? जातिवाद की राजनीति हो रही है, अपने अपने जातियों को लोग जोड़ रहे हैं, विकास कोई मुद्दा ही नहीं है, हैं, उसी तरह से इलेक्शन हो रहा है। तो ये बताइए जातिवाद की राजनीति कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, पार्टियां कर रही हैं।
थोड़ा सा समझाइए, क्या आपका इशारा किस तरफ है जब आप कह रहे हैं पार्टियां कर रही हैं या किसी एक पार्टी के लिए कह रहे हैं, दोनों तीनों पार्टी अपना मत बताइए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी 2 करोड़ हर साल नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, वो रोजगार जनता समझ रही है, और जो ये 5 किलो अनाज दे करके पर नोच रही है जैसे कोई चिड़िया भाग ना पावे तो पर नोच करके कुछ दाना फेंक दिया जाता है कि जिंदे रहो, ये जो 5 किलो अनाज दे रही है उसको भी पब्लिक समझ रही है। गर्मी के सीजन में बाजरा दिया जा रहा है, आदमी खा ले तो बीमार पड़ जाए, जानवर खा ले तो बीमार पड़ जाए, इन सब चीज़ों को कौन देखने वाला है? तो जनता समझ रही है, करोड़ों पेड़ काट दिए गए विकास के नाम पे, चौड़ी सड़क करने के नाम पे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चिल्ला रही है कि एक पेड़ काटिए तो 20 गुना लगाइए, कहीं 20 गुना लगा हुआ दिख रहे तो बताइए, तो जनता वो भी देख रही है, जनता खुद ही जागरूक है, जनता खुद ही समझदार है, वह अपना निर्णय अपने आप देगी। ये बताइए जो आप कह रहे हैं कि नाराजगी आपकी स्पष्ट नजर आ रही है, आप कह रहे हैं कि नाराजगी नहीं है, नाराजगी नहीं है, सरकार जो कर रही है वो बता रहा हूँ मैं। प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा कर दिया है कि जो बेरोजगार पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा बेरोजगार आपको टहलते हुए मिल जाएंगे, अगर वो नौकरी प्राइवेट जगह पा रहे हैं तो 16 घंटा 18 घंटे उनसे आप मेहनत करवा रहे हैं, वो पूरे पश्चिम भूल जा रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी भूल जा रहे हैं, उनकी पूरी जवानी आप खराब कर रहे हैं। सरकारी तंत्र में सारी जगह प्राइवेटाइजेशन आप करते चले जा रहे हैं, तो कॉरपोरेट जगत में केवल खेल रहे हैं, एक अंबानी एक अडानी, बाकी और कॉरपोरेट इंडिया में नहीं है, रतन टाटा नहीं है। वकालत आपका प्रोफेशन था कि मजबूरी? हाँ, वकालत आपका प्रोफेशन था कि मजबूरी? आपको बोल रहे हैं, आपको मौका जरूर देंगे हम, आप हमारे बगल में ही बैठे हैं, कहीं नहीं जा रहे हम। मैंने बोला अन और किसी टेबल का आए ना आए, इस टेबल का अनएडिटेड जाएगा, आप चिंता मत करें, मुझे मौका दीजिए। जी, रोजगार का एक सवाल है, क्योंकि जितना हम पश्चिम यूपी से होते होते यहाँ पर अब आपके यहाँ की लोकसभा में पहुँचे हैं, 15वीं लोकसभा है जिसमें हम घूम रहे हैं और काफ़ी गांव कस्बों में घूम रहे हैं, रोज़गार का एक सवाल है जो बहुत लोग उठा रहे हैं, उसकी एक हताशा भी कई जगह खास करके देहातों में और कस्बों में बहुत नज़र आ रही है। एक गुस्सा ये जो पेपर लीक हुआ था अभी पीछे पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम में, उसका लेकर भी एक बहुत नाराज़गी लोगों में नज़र आ रही है, होता रहता है, वो हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं, फिर हो रहा है, फिर कहीं से हो रहा है, फिर क्लर्क स्तर से हो रहा है, कभी ऊपर स्तर से हो रहा है, वो हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं, उससे नहीं मतलब है, कितने रोजगार आप दे रहे हैं, नंबर एक ये देख लीजिए। हैं, अच्छा चलिए, आप वकील हैं, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि आप लोग बिल्कुल वकालत को, मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर को आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझता, और आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं, इस राज्य सरकार का और उनके प्रचार करने जब इस केंद्र सरकार से भी इनके मंत्री जब आते हैं, इनका एक बहुत बड़ा क्लेम रहता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था हमने बहुत सुधारी है यूपी की, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कौन सा कानून व्यवस्था सुधार दिए हैं? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ सुधार दिए हैं? आईपीसी सीआरपीसी में बुलडोजर कहाँ से आ गया है? किसी का मकान आप तोड़ डाल रहे हैं, हम क्रिमिनल हैं, हम आतंकवादी हैं, आप हमें बीच चौराहे पर गोली मारने का वो कर दीजिए, बाप दादा बनवाए हुए मकान आप पूरा मकान गिरा दे रहे हैं, माँ ने क्या बिगाड़ा है, उसकी पत्नी ने क्या बिगाड़ा है, उसके भाई ने क्या बिगाड़ा है, उसके बाप ने क्या बिगाड़ा है, उसकी बूढ़ी माँ ने क्या बिगाड़ा है, आप पूरा मकान ध्वस्त कर दे रहे हैं, किस बात के लिए ध्वस्त कर दे रहे हैं? ये बुलडोजर कौन सा संविधान है? और ये बिल्कुल, मतलब इसकी कोई धारा आईपीसी में नहीं है कि आप इस तरीके से? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये ज़बरदस्ती है। ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है कि जो सरकार के खिलाफ बोल कोई सरकार के खिलाफ बोल दे तो आप उसको आतंकवादी घोषित कर दीजिए, उसके ऊपर गैंगस्टर लगा दीजिए और उसका मकान तोड़ दीजिए, उसको किसी लायक न रखिए। तो ये बताइए, मैं आपने ये जो सवाल उठाए हैं इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, और सबसे अच्छी कानून व्यवस्था सबसे अच्छी आपकी यही है कि आपकी कस्टडी में जो चला जाता है उसकी हत्या हो जा रही है, टीवी कैमरों के सामने हुई है वो, तो ये लगातार हो रही है, लगातार हो रही है, कराई जा रही है, कुछ टीवी के सामने हो रही है, कुछ टीवी के बाहर हो रही है। अब ये बताइए, एज अ लॉयर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, भाजपा के हेगड़े साहब ने
और इनके कम से कम तीन और उम्मीदवारों ने अपने भाषणों में कहा था प्रचार के दौरान कि 400 पार दरअसल हम इसलिए मांग रहे हैं ताकि हम संविधान में बदलाव कर सकें। मोदी जी ने बाद में आके स्पष्ट किया कि नहीं नहीं, आप संदर्भ नहीं समझे जिस संदर्भ में कुछ और कहा था, लेकिन इस बात का भी जितना हम घूम रहे हैं ये लग रहा है कि लोगों तक ये बात कहीं ना कहीं पहुंची है कि संविधान बदलने की बात हो रही है। इसका एक लोगों के अलग अलग मत हैं इस पर। आप एज अ वकील ये बताइए कि क्या आपको ये लग रहा है कि आपको भी ये डर है या आपको भी ये लग रहा है कि ये संविधान बदलने की तरफ जा सकते हैं? कौन सा संविधान ये बदल देंगे और कौन सा नया संविधान ये ला देंगे? विध द्वारा सत्यापित संविधान की रक्षा की शपथ लेकर के वहाँ पर ये पहुँचते हैं, उसकी कितनी इन्होंने किया है ये जनता जान नहीं रही है। विध द्वारा किसको किसको इन्होंने फांसी पर चढ़वा दिया, कितनी सुरक्षा की, किसकी किसकी सुरक्षा कर दिया, कौन जनता सुरक्षित है? ये जो पेड़ कट रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रयागराज की गर्मी बढ़ रही है, ये हीट अगर 50 डिग्री के ऊपर चला जाएगा मानव मर जाएगा, तो ये विनाश है कि विकास है? ये विनाश है कि विकास है? सुप्रीम कोर्ट अपनी बात कहते रहे, हाई कोर्ट अपनी बात कहते रहे कि आप पेड़ लगवाइए, कहाँ पेड़ लग रहा है आप दिखा दीजिए, आप उसी संविधान को मान लीजिए। वायलेट हो रहे हैं, मतलब कुछ नहीं, जो अपने में है वो अपने तरीके से मोड़ रहा है। पूरे संविधान को सोरे पुस्त लोगों ने केवल वही तरह बना दिया जैसे एक मंदिर हो। संविधान तो उसी तरह है जैसे एक मंदिर होता है, आदमी वहाँ दर्शन करने जाता है, आत्मसात करने जाता है, उसी तरह संविधान है। लेकिन संविधान को तो इन लोगों ने बना दिया उसी तरह, जो एक गाना है कि मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। अच्छा चलिए, ये बहुत मज़ेदार दलील दी है मिश्रा जी ने। जी साहब, आप तिवारी जी, ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? जी भारत द्विवेदी जी। भारत साहब, क्या आप भी वकील हैं? नहीं, हम अकेले हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कौशाम्बी। अरे आप भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कौशाम्बी? आप जिला उपाध्यक्ष हैं कौशाम्बी के जी। चलिए फिर, यहाँ पर पार्टी का मत तो आप देंगे ही देंगे, पर फिर भी ये बताइए कि क्या लग रहा है इस, और फिर बाकी सवालों पर आते हैं, क्या लग रहा है इस चुनाव में आपको? यहाँ साहब तो आपके सामने तो बहुत नाराज़ लग रहे हैं आपकी पार्टी के पिछले 10 सालों के कार्यकाल से। ये सदैव सरकार से नाराज रहते हैं, सरकार चाहे जब इसकी, हम इनको 20 साल से जानते हैं, व्यक्तिगत लिया जाए तो जो सरकार आती सरकार से नाराज होना इनका स्वाभाविक है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे अनुसार सब कुछ हो। मेंडेन सरकार पाती है, जो वहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हैं वो पाते हैं। और रही बात, हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा जनता का रहता है रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी, ये सदैव मांगा जाता था, नारा लगता था, जो ना दे वो सरकार निकम्मी है। आज मूलभूत सुविधाओं पे अगर आप गौर करें तो चाहे सड़क का विषय हो, चाहे बिजली का विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, और चाहे ला डांडर कर ले ली जाए तो सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार ने लगभग पूर्ण रूप से लेकर के उसको जो है धरातल पर उतारे हैं। इसलिए देश की आवाम पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी एवं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उससे पूर्ण रूप संतुष्ट है। और जो 400 पार का नारा है, मेरा ये मानना है कि इससे कम सीटें नहीं रहेंगी, क्योंकि ये जनता का नारा है, जनता अपने वचन को। चलिए मैं अब आपको कुछ, क्योंकि आप देखेंगे मैं बाकी लोगों से इतना काउंटर क्वेश्चन नहीं करता हूं, लेकिन अगर कोई पार्टी के ही सदस्य हैं, उनके अगर मतलब लीडर हैं, तो उनसे ज़रूर, क्योंकि और आपकी पार्टी सत्ता में है, और मेरा ये मानना है कि भाई मीडिया का काम वो है कि जो सत्ता में है उस पर सवाल दागे जाए, ना कि उनकी बार बार बात को, उन्हीं की बात को विपक्ष से ज़्यादा मुझे लगता है सरकार से सवाल उठाने की ज़रूरत है। और माफ़ करिएगा, मुझे लगता है आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया ठीक उल्टा कर रही है, विपक्ष से ज़्यादा सवाल पूछ रही है। मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछूंगा जो आपने जो बातें रखी हैं अभी। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और पूरे पश्चिम यूपी से हम मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, कैराना, सारी लोकसभाओं के नाम बता रहा हूँ आपको, मेरठ, बिजनौर, नगीना, हाथरस, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, मतलब और भी मैं कई सारी भूल रहूँगा बीच में, और यहाँ पर हर जगह किसानों की एक बहुत 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 बड़ी शिकायत है, बहुत बड़ी शिकायत है कि आवारा पशु आकर उनकी ज़मीनों को, उनकी फसल को दिन रात बर्बाद कर रहे हैं। कह रहे हैं अब सो नहीं पा रहे हम, रात को जा रहे हैं, कहते हैं क्या कानून व्यवस्था, हमारा तो यहाँ पर जीना वरना वो हो गया है। 500 रुपये महीने की किसान सम्मान निधि जो मिल रही है, कह रहे उससे ज़्यादा नुकसान, बल्कि हमका कई ज़्यादा नुकसान तो यहाँ हो रहा है। मंडीकरण का वायदा किया था सरकार ने, उसकी कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। उसी के साथ साथ
वो कह रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कोट कर रहा हूँ, कि सपा में जो गन्ना किसान है वो कह रहे हैं सपा और बसपा के समय पर जितना रेट बढ़ा था गन्ने का उसका आधा भी नहीं बढ़ा है इन 7 सालों में योगी सरकार में। किसानों के सवाल पर क्यों यहाँ पर जहाँ पर भी हम जा रहे हैं यह नाराज़गी क्यों नज़र आ रही है किसानों में, चाहे वो गन्ना किसान हो, चाहे वो मूँगफली का किसान हो, चाहे वो सब्जियाँ उगा रहा हो, चाहे वो दलहन का किसान हो, चाहे वो गेहूँ धान किसी का भी किसान हो। ये आप देखे होंगे, पहली बात तो ये किसानों की नाराज़गी नहीं है, ये कुछ किसान नेताओं को जो विपक्ष से तालमेल बना करके या कह दीजिए साठगांठ करके अपनी राजनीति चमकाने का जो काम करते हैं। नहीं, मैं आम किसान की बात कर रहा हूँ, मैं गांव देहात जाकर बात कर रहा हूँ, आप ये नहीं कह। किसान हूँ मैं भी, किसान हूँ। जो आप पशु का मुद्दा बता रहे हैं, इससे ज़्यादा मुद्दा विपक्ष बनाया था कि 2022 का चुनाव भी आपने देखा था डेढ़ साल पहले कि खेत में किसान सो नहीं पा रहा है, किसान गरिया रहा है, उत्पादन नहीं हो पा रहा है। आप 22 का रिजल्ट देख चुके हैं, यही सारे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को डिनाई कर रहे हैं, रिजल्ट जो भी हो हम आप बता रहे हैं, मतलब इस प्रॉब्लम के बावजूद अगर जनता आप में भरोसा दे रही है। ये प्रॉब्लम किसानों का ही नहीं है, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपका, बिल्कुल किसानों का मुद्दा नहीं है, ये विपक्ष का मुद्दा है। और अगर किसान कोई कहीं से दिख रहा है तो वो किसान नेता हैं, वो किसान नहीं है। मैं मुझे माफ करिए, मैं उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, मैं बहुत बड़ा उत्तर, खाली उत्तर पूर्वी से काम नहीं चलेगा कि कुछ लोग चले जाए मैनेज हो करके। विगत 2 सालों से कंटिन्यू किसान आज भी आज की डेट में भी दिल्ली बॉर्डर पर किसान अपनी समस्या को लेकर जान दे रहे हैं। ये किसान की समस्या आज से नहीं है, कम से कम 5-7 साल से बनी हुई है। हालांकि उनको सम्मान निधि के नाम पे आपने चुमकारा, आपने सब कुछ उनको मतलब वादा किया कि हम आपको यहाँ ले आएंगे, यहाँ देंगे, ये आपका आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे। तो आज आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसानों की समस्या कोई नहीं है? भाई किसान आज भी जान दे रहा है, कितने किसान मर गए, आत्महत्या कर लिए, आप किसान को निगलेक्ट नहीं कर सकते। रहा सवाल ये कि ठीक है आप नहीं कर पा रहे हैं, ये एक अलग मुद्दा है। हमारे सामने जो आज करने की स्थिति में है हम लोग उसको काउंट कर रहे हैं कि सरकार बदलना है। सरकार एनी हाउ 10 साल में आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो ये है कि बेरोजगारी महंगाई के अलावा जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है उसमें कहीं कोई तब्दीली नहीं आई। ये मैं अभी आपके सवाल को ही यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ क्योंकि वायदा किया गया था कि स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशंस को अमल किया जाएगा, ये मोदी जी का वादा था, मेरा वादा नहीं है। आज स्वामीनाथन कमेटी की ही रिकमेंडेशंस को बोला जा रहा है ये इम्प्रैक्टिकल है, इसी सरकार द्वारा बोला है इसको नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसी रिकमेंडेशंस की मांग लेकर अगर किसान पंजाब से दिल्ली आते हैं तो इतने बड़े बैरिकेड लग जाते हैं कि यहाँ समझ नहीं आता है पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर है, ये क्यों हो रहा है? अरे जब आप अराजकता का माहौल बना कर आएंगे, पहले से अपनी मानसिकता को आप प्रकट करेंगे तो कोई भी सरकार बैठी होगी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसी प्रकार की टेस्टी ना हो, अन्य आम आदमी कोई इससे प्रताड़ित ना हो, कोई दहशत में ना आए। अन्न आंदोलन के बारे में भी आपका ये कहना है क्योंकि उसका तो हिस्सा थी आपकी पार्टी? नहीं नहीं, हमारी पार्टी का नहीं, वो एक उनका आंदोलन था, आपकी पार्टी उसका हिस्सा थी, आपके नेता वहाँ पर जाते थे। थी वो जनमानस उमड़ा हुआ था, अभी तो जनमानस है, कांग्रेस के घोटालों से सरकार जनता उब चुकी थी, वो जनता का समर्थन था अन्ना जी का, इतना बड़ा समर्थन अन्य किसी दल को नहीं मिलेगा ना किसी व्यक्ति को मिलेगा। रही बात आप MSP की बात कर रहे हैं तो देश में सिर्फ MSP ही जरूरी नहीं है, MSP एक अलग विषय है, उसके लिए बहुत बड़ा फंड की व्यवस्था है। देश में सिर्फ किसानों को ही दे करके आप देश को नहीं चला सकते कि MSP आप लागू कर देंगे, उसके लिए जो भी व्यवस्था हो गई किसान के लिए वो उसके लिए फंड दिया जा रहा है। किसान कहीं ना कहीं से खुशहाल है, उसकी जेन्युइन चीज़ें जो है वो दी जा रही हैं, चाहे वो 600 रुपये महीने के 500 होता है, साल के 6000 किसान सम्मान निधि, 6000 सालाना जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है, खाद पानी की व्यवस्था बढ़िया सुचारू रूप से जा रही है, बिजली नहीं, एक सेकंड रोज ये आप मुझे बताइए, यूरिया का कट्टा जो मिलता था किसानों का वो 50 किलो का कट्टा होता था, अब वो घट के 45 और 40 किलो का होने, रेट वही है, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। अब आप मेरे को ये बताइए, मैं यही समझना चाह रहा हूँ, जो 2 गुना का वायदा किया गया था, ना गन्ने के रेट बढ़े हैं ना यूरिया का रेट घटाया जबकि कट्टे का साइज घटा दिया, तो आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ आप किस आधार के अनुसार क्यों नहीं महंगाई हो रही है? 14 से पहले क्या गेहूं का रेट था? चलिए किसान नहीं, मैं तो एक एक करके चल रहा था, क्या रेट था? स्वाभाविक है बढ़ा हुआ है।
और कुछ महंगाई की बात करिए, महंगाई महंगाई पर आते हैं चीज है ये कोई मतलब है ये 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 अगर कांग्रेस वालों से पूछा जाए कि सन 47 में पेट्रोल का रुपये था और 2014 में क्यों इतना आ गया। चलिए अगर हम यहाँ पर यहाँ क्यों 60 में आ गया, 1 रुपया में तो 60 में क्यों? नहीं तो एक चीज बताइए, नहीं नहीं बिल्कुल विषय है, महंगाई विषय है, कैसे विषय नहीं है, देश का विषय है, कैसे नहीं है सर विषय? महंगाई विषय नहीं है सरकार की तरफ, विषय नहीं है। जब कांग्रेस के समय में 2014 में सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, उस समय स्मृति ईरानी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो जो है सर पर सिलेंडर लेकर के दिल्ली के जामा मस्जिद से लेकर के और इंडिया गेट तक दौड़ती थी। जब जो है किसानों के नाम पर MSP की स्वामीनाथन रिपोर्ट बैठाई गई थी, तब मोदी जी ने परेड ग्राउंड में भाषण दिया था कि नहीं हम आते ही किसानों की समस्या का समाधान कर देंगे। और आज किसानों की समस्या हो या बेरोजगार युवाओं को, जिस 18 से 25 साल के लड़कों ने 2 करोड़ रोजगार सालाना के नाम पर मोदी जी को इतना बड़ा बहुमत दिया। चलिए मैं आपको रोक रहा हूँ, आपने ये बात रखी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 400 रुपये का जब सिलेंडर हुआ था कांग्रेस के राज में, आज उससे दुगने से ज़्यादा हो चुका है सिलेंडर का रेट। आप कह रहे हैं महंगाई मुद्दा नहीं है, और जो परसेंटेज ऑफ अगर इन्फ्लेशन देखेंगे सिलेंडर की रेट की, चलिए बात करते हैं, वो कांग्रेस के ज़माने में या कांग्रेस छोड़िए यूनाइटेड फ्रंट की भी सरकारों में जितना प्रतिशत वहाँ पर सिलेंडर का रेट, उससे दुगने से भी ज़्यादा हो गया 10 सालों में। इन्फ्लेशन के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं महंगाई मुद्दा नहीं है, लेकिन जब विपक्ष होती थी आप कह रहे हैं भाई जब हमारी सरकार है तो विरोध प्रदर्शन होता है, अराजकता, लेकिन विपक्ष के समय पर हम उनके साथ हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे समय पर महंगाई नहीं है, लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तो स्मृति ईरानी जी गैस के सिलेंडर के दाम का रेट का विरोध करती हैं, ये कैसी बात हुई? अन्य प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें हैं जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की सरकारें जहाँ जहाँ हैं और जहाँ कांग्रेस की सरकार है राज्य में, किसी भी विषय वस्तु पे क्यों नहीं 10 रुपए कम करके दे रहे हैं, यदि इतने बड़े जनता के होते ऐसे हैं और महंगाई रोकने का काम करते हैं तो? राजस्थान में तो किया था इनकी सरकार, तेलंगाना में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं तेलंगाना, मतलब दिल्ली में तो एक सेकंड प्रदेश में दे रहे हैं 500 में सिलेंडर, मतलब जो आप कह रहे हैं जैसे दिल्ली में फॉर एग्जांपल औरतों के लिए बस राइड फ्री करी है, औरतों बिजली बहुत सस्ती करी है, पानी सस्ता किया, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि विपक्ष की सरकारों में नहीं किया है, विपक्ष की सरकारें कर रही हैं। अब हम गल्ला दे रहे हैं तो इनके लिए रेवड़ी है? नहीं रेवड़ी तो आपके आपके नेता ने शब्द इस्तेमाल किया था, विपक्ष ने तो ना, विपक्ष 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 ही कहता है सर, मोदी जी का भाषण था कि रेवड़ी है। हम कहते हैं कि अगर 80 करोड़ को हम दे रहे हैं, जनता सरकार को दे रही है, तो उसके लिए ये अशब्द बोलते हैं, ये देश की जनमानस कोई भूखा ना सोए, और ये भी कहते हैं कि कांग्रेस की योजना है ये, और ये भी कहते हैं कि क्यों दे रहे हो? ये मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जो मुफ्त बिजली पानी का सवाल था उस पर अमित शाह जी ने कहा था कि हम ये नहीं करने वाले हैं, मोदी जी का भाषण था कि रेवड़ियाँ बांटना बंद करो, लेकिन फिर आप ही लोग, आप ही की सरकार जब बात करती है कि हम तो मुफ्त का राशन दे रहे हैं, तो फिर ये कैसी रेवड़ी है और वो रेवड़ी क्यों नहीं है? क्योंकि राशन, बिजली, पानी, ये सब मूलभूत सुविधाएँ हैं, नहीं दी जा रही है। बिजली की भी अभी व्यवस्था देखिए, आप पहली बात तो जो बिजली की सबसे बड़ी व्यवस्था देखी जा रही है वो ये देखी जा रही है कि हम मुफ्त पूरे देश पे एक साथ लागू नहीं कर सकता। जो जो ओरिजिनल व्यवस्था है, जो ओरिजिनल व्यवस्था ये है कि हम बिजली 24 का 24 घंटा देंगे, हम बिजली को चोरी नहीं होने देंगे, प्लस जो बिजली को चोरी कर लेते हैं उनका बिल का भुगतान पता है कौन करता है? उनका बिल का भुगतान यदि आप कनेक्शन होल्डर हैं तो आप करते हैं। यदि हम बिजली चोरी करते हैं और अगर सरकार उस पर नाकाम साबित हो रही है तो आप 8 रुपये यूनिट दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो 4 रुपये यूनिट आने वाले समय में मोदी जी की जो व्यवस्था है, जो योजना है, बिजली घर घर पहुँचाई जा रही है, 24 घंटा बिजली दी जा रही है, प्लांट लगाए जा रहे हैं और सबको कनेक्शन दिया जा रहा है घर घर। जब सब कनेक्शन होल्डर हो जाएंगे तो ये बिजली आपको आपको 50% ऑटोमेटिक मुफ्त टाइप हो जाएगी। बोलने दीजिए दोनों को 50% ऑटोमेटिक मुफ्त टाइप हो जाएगी और ये लाइफ टाइम व्यवस्था होगी और इससे देश भी सुरक्षित रहेगा, लोग भी सुरक्षित रहेंगे। राजीव गांधी विद्युत परियोजना जो घर घर पहुंचाई जा रही थी उसका नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय विद्युत परियोजना कर देने से घर घर बिजली नहीं पहुँच गई। साल भर पहले जो बिजली राजीव गांधी विद्युत परियोजना के तहत सप्लाई की जा चुकी है, पॉलिसी का नाम केवल 10%। साल भर पहले जो बिजली की स्थिति थी, एक साल से इतनी कटौती, इतनी प्रॉब्लम है बिजली की कि जो अखिलेश यादव की लोगों को याद आ रही है,
कि उसके जमाने में जो बिजली की समस्या खत्म हो गई थी वो फिर एक साल से। आपका नाम क्या हुआ सर? फहीम खान। फहीम साहब, मैंने क्योंकि यहाँ काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ तो यहाँ भी करूँगा, ये ज़रूर हुआ है कि जितना हम घूमे हैं, बहुत सारे लोग जो इस सरकार से नाराज़ भी लग रहे हैं और कह रहे हैं इस बार विपक्ष को वोट देने वाले हैं, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि पिछली सरकार की कुछ विफलताएं जो थी उसमें से एक बिजली और दूसरा सुरक्षा व्यवस्था, मैं जो कानून व्यवस्था, तो मुझे लगता है कि ये विफलता दोनों जगह रही है, ये सिर्फ इसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। चलिए द्विवेदी जी, आप सरकार में हैं इसलिए मैं आपसे ज़्यादा सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, अगली बार अगर ये सरकार में आ गए ये लोग तो इनसे ज़्यादा सवाल पूछेंगे जी। आप अब नौजवान एक बैठे हैं, इनसे अपनी बात ख़त्म करते हैं। जी साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तिलक तिवारी। थोड़ा सा पास आ जाइए तिलक जी। जी हाँ बोलिए। हाँ आप तिलक तिवारी जी, क्या करते हैं? मैं व्यवसाय करता हूँ, रियल इस्टेट का काम करता हूँ। रियल इस्टेट का काम करते हैं? अरे सर, एक ये बिजनेस बहुत बूम करी है, और कोई की हो या ना की हो। तो तिलक जी ये बताइए, आप बिजनेस में हैं, बिजनेस भी अलग अलग किस्म की होती हैं, आपके वैसे क्या अनुभव रहे हैं इन 10 सालों में केंद्र सरकार और 7 सालों में राज्य सरकार? बिजनेस में जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया है, जो छोटे पूंजी के व्यवसायी थे वो यहाँ पर इस सरकार में सफरर रहे हैं, और हम लोग भी रियल इस्टेट में भी सफरर हैं। हम लोग भी सफरर हैं। इसके लिए क्या आप कौन सी पॉलिसीज़ को बोलेंगे, GST बोलेंगे या नोटबंदी बोलेंगे या फिर लॉकडाउन का अभी तक इम्पैक्ट नहीं गया, क्या कारण कहेंगे? नहीं, कारण कोई नहीं है। हुआ ये अंतर ये हुआ है कि चीज़ें सेंट्रलाइज हो गई हैं, पोलराइज्ड हो गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि GST आने से या RERA आने से या और कोई कानून आने से वो इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हुए हैं धरातल पर, क्योंकि अच्छा। क्योंकि हम लोग तो रियल इस्टेट में हैं, तो हुआ ये है कि जो छोटे लोग हैं या जो ठीक ठाक काम करते थे वो लोग ख़त्म हो गए हैं, बाकी कुछ लोग जो प्रशासन से और सत्ता पक्ष से साठ गांठ करके काम कर रहे हैं। तो आप अभी हमारे साथ चलिए, हम दिखाते हैं आपको, बाढ़ क्षेत्र में भी ज़मीनें बिक रही हैं, जहाँ पर बैन है वहाँ बिक रही हैं, लेकिन आपकी बिक रही हैं क्योंकि आप ADA से साठ गांठ किए हैं, आपका प्रशासन का आप पर हाथ है। मैं बगल में बेच रहा हूँ तो मेरा सीज हो जा रहा है, ठीक है। मैं चाहे यूनाइटेड पी यहाँ, मतलब जो रियल इस्टेट का काम यहाँ पर है वो जो सरकार के पक्ष में है, जो सरकार के नेताओं को पैसा दे, जो प्रशासन को पैसा दे, वो कर पा रहा है, और जो वहाँ अपनी पहुँच नहीं बना रहा है, जो फ्रेश काम करते थे वो लोग नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं किस्म का फेवरेटिज्म हो रहा है? हाँ हाँ, मतलब फेवरेट, कोई ऐसा कुछ नहीं कि RERA यहाँ अप्रूव्ड हो गया या कुछ हो गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। एक बता ADA हमको एक आदमी का नाम बताए कि जिसने, जिन लोगों ने 50-50 बीघे, मैं तो रहता हूँ कारोबार में इसलिए बता रहा हूँ, उसने उसके चीज़ों को पैसा जमा करा करके जो है वो कराया, मैनुअली सही कराया हो, या कोई ऐसी हाउसिंग स्कीम बताए शेरवानी लिगेसी को छोड़ करके, जो पैसा जमा करा करके ADA ने उसको जो है डेवलप करके साइट चालू कराई हो 10 सालों में, कोई एक साइट बता दें। आप इंसिनुएट कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हम ख़त्म कर दिए हैं, योगी जी कह रहे हैं हम भ्रष्टाचारियों पर बुलडोज़र चला दिए हैं, मोदी जी कह रहे हैं हम भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दिए हैं, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी क्या झूठ बोल रहे हैं? देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, प्रयागराज इलाहाबाद जो है यहाँ पर 12 विधानसभाएँ हैं और 2 लोकसभा और मिला करके 2.5 लोकसभा यहाँ होती है। 12 विधानसभाओं में हमको मोदी जी और योगी जी केवल इतना बता दें कि नंदी जी बसपा में थे, वही नंदी जी आज यहाँ दक्षिणी से विधायक हैं, हर्ष वाजपेयी उत्तरी से विधायक हैं, उनके पिता, उन्होंने बसपा में भी मलाई काटी, उन्होंने कांग्रेस में भी मलाई काटी। नंदी जी, योगी जी और मोदी जी लायक किसको हैं? प्रवीण पटेल बसपा में विधायक थे, आज लोकसभा के प्रत्याशी हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी जो थे उनका भी लोग कई मुकदमे, उनका नहीं, बसपा में तो वो नहीं थे केशव प्रसाद मौर्य, वो हमेशा से भाजपा ही रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य, नहीं नहीं, मैं इन 12 लोकसभाओं की, मैं अगर प्रदेश की बात ना करके अगर मैं 12 लोकसभाओं की विधानसभाओं की बात करूं तो यहां पर बदला क्या है? मतलब जो भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाएगा वो स्वच्छ हो जाएगा, जो नहीं जाएगा वो खराब रहेगा। इस चीज़ से हम सहमत नहीं है, सरकार कोई भी हो। जैसे अभी पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी के लड़के को टिकट मिला, तो मतलब कुल मिलाकर के इन्होंने भी नेपोटिज्म को या इन्होंने भी वो पॉलिसी को, परिवारवाद या जातिवाद इन्होंने ख़त्म नहीं कर दिया है,
अगर ये कहते हैं कि हमने ख़त्म कर दिया है तो ये भी वही ये दलगत राजनीति ये भी कर रहे हैं, इनकी भी पॉलिसीज उनसे ख़राब साबित हो रही हैं, कहीं पर भी बहुत अच्छी साबित नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये करते तो यहाँ पर ये क्यों ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिन लोगों ने जो पाँच पाँच छः छः बार से विधायक हैं, जिन्होंने कांग्रेस में भी लिया, सपा में भी लिया, बसपा में भी लिया, इनको लोग ही नहीं मिल रहे हैं। मतलब 1,40,00,000 में ना कोई इनको मिल रहा है ना राजनीति, क्यों? क्योंकि इनको पता है कि हमारी सरकार भी उसी तरह बनना है, हमको उन्हीं को तोड़ करके ले आना है। ये तो वही बात हो गई कि अगर आपके हाथ में माइक है तो ये अच्छा नहीं लग रहा है और मैंने इसको छीन लिया, कह दिया अब अच्छा लग रहा है, मेरे हाथ में अच्छा लग रहा है, तो ये तो अपनी बात कहने की हो गई ना। ये बदल क्यों नहीं देते लोगों को? मतलब समझ गया आपकी बात। आप कह रहे हैं कि जैसे छगन भुजबल जी हों या अजीत पवार जी हों जो कल तक सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे यहाँ आकर, यही विपक्ष का ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम रहा है। उत्तर प्रदेश में जितने विधायक हैं उनमें 70% या सांसद हैं उनमें 50% आप जा करके सर्वे करवा लीजिए, या तो वो कहीं ना कहीं से परिवारवाद से आते हैं या किसी दूसरी पार्टी के बहुत मलाईदार पद पर थे, उनको इन्होंने तोड़ लिया है। चलिए मैं इस टेबल से अभी विदा मांगूंगा। मैं सोच रहा था ख़त्म करूं लेकिन कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, अगर वो बात करने के लिए राज़ी हों, मुझे लगता है उनकी नहीं करेंगे, उनकी राय जाननी, महिलाओं की राय जाननी भी उतनी ज़रूरी है। लेकिन इस टेबल पर बैठ के एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी और जो मुझे लगता है हम लोगों को खुद अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि अलग अलग पार्टी के लोग, अलग अलग धर्म के लोग भी एक साथ बैठ के, मतों के लोग भी एक साथ बैठ के साथ कॉफ़ी पी सकते हैं, शाम का नाश्ता कर सकते हैं और दोस्तियां बना कर रख सकते हैं। सरकार का विरोध करना मतलब देश का विरोध करना नहीं है, बल्कि किसी भी सच्चे देशभक्त या सच्चे देश प्रेमी का हक ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी है कि वो अपने सरकार पर सवाल उठाए और जब वो गलत जा रही है तो उस पर उंगली ज़रूर उठाएँ। चलिए अगले टेबल की तरफ चाहते हैं, आप सबका सुना दीजिए जी, बताइए। विकास जो बता रहे हैं कि मैंने विकास किया, ये विकास बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, और हमारी अपनी जो ट्रेन है उस ट्रेन के फर्स्ट क्लास में बैठी है तो कॉकरोच टहल रहे हैं, आपका साल खा रात भर में खा जा रहे हैं, अब बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन किस पर दौड़ेगी? हमारे रेलवे की लाइन पर दौड़ेगी, और बुलेट ट्रेन होगी किसकी? वो अडानी की होगी, जो 200 रुपए का सफ़र है वो 1200 रुपए में सफ़र की जाएगी, वो पैसा किसके पास जाएगा? इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाएगा, सरकार के पास नहीं आएगा, रेलवे के पास नहीं आएगा। मैं आप लोगों से मैं अब जल्दी से कह रहा हूं ना ताकि आगे भी लोगों से बात करें। हाँ देखिए, विकास हुआ है इस देश का। मोदी जी ने वंदे भारत किसके लिए चलाई? अडानी अंबानी के लिए चलाई है या IAS अफसरों के लिए चलाई है या और किसी अन्य के लिए? मोदी जी ने जो हाईवे का विकास लगातार किया, इस हाईवे से नुकसान किसका हुआ? गरीब जनता, गरीब किसानों का हुआ, उनका मुआवजा अभी तक रुका हुआ है। तमाम अपीलें अभी भी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, DM के यहाँ पेंडिंग पड़ी। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि जो विकास का, जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो एक प्रो रिच है और थोड़ा प्रो। चलिए आखिरी दलील है वकील साहब, कृषि नीति इनकी क्या है जानते हैं? कृषि नीति इनकी ये है कि हम बीज देंगे, आप मेहनत करके उगाएंगे, और वहाँ 16 रुपए 18 रुपए में गेहूँ लेके अडानी के गोदाम में जाएगा, और वहाँ से फिर बिलों में पिस करके, सुनिए, मिल में पिस करके 54 रुपए में शहर के मध्यवर्गीय परिवार वाले खाएंगे। बीज का पैसा कहाँ जाएगा? 40 रुपया किलो आटा है। अभी और होगा, अभी इन्फ्लेशन की नाराजगियाँ। मैं इस टेबल से उठ रहा हूँ, नहीं तो पूरा प्रोग्राम आप ही के टेबल का हो जाएगा। आइए, पीछे एक वकील साहब और बैठे हैं जी। साहब क्या नाम हुआ? संतोष सिंह जी, ये बताइए क्या वकील हैं? वो तो आपके वेशभूषा से पता चलता है। चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है आपकी लोकसभा में? क्या लग रहा है बाकी यूपी में? क्या लग रहा है? अपनी लोकसभा से शुरू करिए, यहाँ की तो दो लोकसभाएं हैं। देखिए, हमारे यहाँ फूलपुर और इलाहाबाद दो लोकसभा है, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, और दोनों ही लोकसभा में परिवर्तन की लहर चल रही है, और ये जो सरकार काम कर रही थी उससे जनता असंतुष्ट है, कुछ काम नहीं किया, पर गिनाती ज़्यादा है और कोई ग्राउंड पे काम नहीं दिखा, इसलिए यहाँ परिवर्तन की बयार ही चल रही है। इलाहाबाद का कॉफ़ी हाउस बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हमारी ही गलती है, हमारे ही सड़े हुए नोशंस हैं। हम सोच के आए थे कि यहाँ पर आम लोग, यहाँ पर बीजेपी कर रहे होंगे, हो सकता है हम ऐसे अजीब दिन पर आए हैं, लेकिन भाजपा पार्टी के एक व्यक्ति हैं, उनके अलावा किसी ने भी भाजपा कहा नहीं, वो तो पदाधिकारी हैं भाजपा के। ऐसा क्या हो गया है?
देखिए ऐसा है कि भाजपा ने वादा बहुत किया और गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए कॉफ़ी हाउस चूँकि ये पुराना अड्डा है, यहाँ शहर के सोचने समझने वाले लोग आते हैं और वो अब एक राय बनाते हैं जिससे कि एक शहर का माहौल तय करता है। चूँकि भाजपा ने कुछ किया नहीं है इसलिए जो लोग भाजपा से संबंधित लोग हैं वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। तो आपका मतलब है कि क्या भाजपा वाले यहाँ अब शर्मा रहे हैं आने से? बिल्कुल, जनता के बीच में जवाब नहीं दे पा रहे हैं इसलिए अपने घरों में बैठे हुए हैं। पूरा चुनाव जनता लड़ रही है और जनता ही तय करेगी कि देश का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है चलिए जी, ये हम लोग अभी थे इलाहाबाद के, या फिर अभी प्रयागराज बोलते हैं, नाम प्रयागराज पड़ गया है, वैसे हमारी ज़बान पर अभी तक इलाहाबाद चढ़ा हुआ है। इलाहाबाद वासी इससे अगर नाराज़ हो तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लूँ। हम लोग बाहर से हैं और अभी तक हमारी ज़बान से ये नाम हटा नहीं है। इलाहाबाद या प्रयागराज के इस मशहूर कॉफ़ी हाउस में, इंडिया कॉफ़ी हाउस में आज बैठे थे। पुराना बौद्धिक अड्डा रहा है, कई सारे शहरों के जैसे कॉफ़ी हाउस एक किस्म के बौद्धिक अड्डे रहते हैं, इलाहाबाद के कॉफ़ी हाउस का भी लगभग वही एक रेप्यूटेशन है। आज जिन लोगों से बात हुई ज़्यादातर उनमें से वकील थे, कुछ बिजनेसमैन भी थे, कुछ सरकार में भी काम कर रहे थे, तो उनका इंटरव्यू तो हम नहीं ले सकाए। मत यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये किसी भी तरीके से रिफ्लेक्टिव है पूरी लोकसभा पे, बट यहाँ पर कम से कम जितने लोगों से बात हुई, अगर हम इसको बौद्धिक अड्डा मानते हैं तो यहाँ का बौद्धिक समाज तो ज़रूर बहुत हताश इस सरकार से लग रहा है। क्या यही बातें आम जनमानस तक भी, यही धारणाएँ पहुँचेंगी, ये तो 4 जून को जब डब्बे खुलेंगे तभी पता चलेगा। तब तक CCA के साथ और उसके बाद भी CCA के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।